नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुलाटिया, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक लोअर लिम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली अनदेखा किए जाने वाली कंडीशन के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम होता है वेरिकोज वेन्स। दोस्तों हमने अक्सर सुना होगा कि हमारे पाओ के अंदर नीली नीली ट्विस्टेड सी अनटाइडी सी ब्लड वेसल्स है जो चमड़े के नीचे दिखती है, जो कॉस्मेटिकली काफी खराब दिखती है। उसकी वजह से हमारी टांगों में हैवीनेस भी आने लगती है, टांगों में दर्द भी लगता है। अक्सर टांगों में दर्द होता है तो हमको लगता है या तो वो कमर से आ रहा होगा या जोड़ों का दर्द होगा या मस्कुलर पेन होगा, पर वेरिकोज वेन्स की वजह से भी आपकी टांगों में काफी पेन होता है। तो क्या होती है वेरिकोज वेन्स, किसको ज्यादा होती है, क्यों होती है और क्या इसके इलाज होते हैं, इसको आज जानते हैं। दोस्तों वेरिकोज वेन्स की अगर बात करें तो स्वोलन या सूजी हुई और ट्विस्टेड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ब्लड वेसल्स होती है नीले रंग की, जो चमड़े के नीचे पाई जाती है और वो अधिकतर लोअर लिम्स पे यानी हमारी टांगों में, हमारी एड़ी के आसपास या हमारी थाइस के आसपास देखी जाती है। अगर हम हमारे लोअर लिम्ब की बात करें तो वहां पे जो वीनस सिस्टम होता है या फिर जो वेन्स का सिस्टम होता है जो कि ब्लड को हमारे शरीर के अंग से हार्ट की तरफ लेके जाती है, वो सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स होती है। उन सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स के बीच में परफोरेटर्स होते हैं जो कि प्रेशर रेगुलेशन का काम करते हैं। ये परफोरेटर्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो सुपरफिशियल वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी वॉल्स कोलैप्स करने लग जाती है, जिसकी वजह से सूजन होने लग जाती है या ये जो नसें हैं ये टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, ट्विस्टेड होने लग जाती है, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और दर्द भी हो सकता है। अगर वेरिकोज वेन्स के कॉमन सिम्टम्स की बात करें या साइंस की बात करें तो पहला होता है वो ट्विस्टेड वेसल्स हमारे चमड़े के नीचे बहुत क्लियरली दिखाई देती है, जिसे बल्जिंग वेन्स बोलते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी टांगों के अंदर एक हैवीनेस सी लगती है, अगर हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो एक टांगों के अंदर थकावट या दुर्बलता आने लगती है। तीसरी चीज होती है एक दर्द होता है हमारी टांगों के अंदर जो कि जनरलाइज होता है, जो कि एक पर्टिकुलर नस में नहीं होता या जोड़े में नहीं होता, जनरलाइज हमारी टांगों के अंदर एक टायर्डनेस रहती है, एक दुखन रहती है, एक दर्द रहता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर इच भी हो सकती है यानी कुछ खुजली भी हो सकती है टांगों के अंदर। कुछ पेशेंट्स के अंदर अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं, स्किन डिस्कलरेशन या चमड़े का रंग बदल जाना भी काफी पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है, और रेयरली कुछ पेशेंट्स के अंदर पूरी की पूरी टांग भी स्वेल हो सकती है या सूजन भी आती है। तो दोस्तों क्यों ये परफोरेटर्स खराब हो जाते हैं, तो पहली चीज होती है अगर हमारा वजन ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा आ जाता है परफोरेटर्स के ऊपर, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, उम्र के साथ या रेगुलर एजिंग प्रोसेस में भी हो सकता है। और वो पेशेंट्स या वो लोग जो ज्यादा खड़े रहते हैं, जैसे कि पुलिसमैन की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, हमारे डॉक्टरों में जो सर्जन्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं जिनका खड़े रहने का ज्यादा काम होता है, या मेसन्स या मजदूर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, खड़े रहने का जिनका ज्यादा काम होता है उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ता है और वेरिकोज वेन्स होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस जनरली क्लिनिकल होता है, बहुत साफ बहुत क्लियरली दिखता है। अगर आप अपने लोअर लिम्ब की तरफ या टांगों की तरफ देखें, आपको ट्विस्टेड कुछ नीले रंग की नसें अगर चमड़े के नीचे देखें तो उसका वेरिकोज वेन्स ही एकमात्र कारण हो सकता है। इसके साथ साथ आप एडवांस जांचें भी करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लगता है, एंजियोग्राम से भी पता लग जाता है। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ज्यादातर केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम कॉस्मेटिक होती है, कुछ ही पेशेंट्स के अंदर ये एक दर्द का कारण बनता है, इसीलिए सर्जरी रेयर केसेस के अंदर यूज होती है। अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो एक दवाई आती है कैल्शियम डोबेसिलेट, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि परफोरेटर से ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है और सिम्टम्स को थोड़ा कम कर सकती है। इसके साथ साथ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको पहन सकते हैं, जो कि वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट भी करता है और क्योर भी करता है, क्योंकि बॉडी सेल्फ हील कर लेती है। इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस नाम का एक डिवाइस या मोडालिटी होती है, जिसके 15 से 20 मिनट के सेशंस आप लेके ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं। स्क्लेरोथेरेपी या रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन भी एक मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं परफोरेटर रिपेयर के लिए। लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग भी एक डे केयर प्रोसीजर होता है जो कि बहुत कॉमन
कॉमनली किया जाता है वेरिकोज वेन्स में, और कुछ जिद्दी केसेस के अंदर परफोरेटर रिपेयर नाम की एक सर्जरी की जाती है। तो दोस्तों वेरिकोज वेन्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा प्रिवलेंट है हमारी सोसाइटी में वेरिकोज वेन्स, स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर जिनका वर्किंग बहुत ज्यादा स्टैंडिंग वाला होता है, जो कि खड़े रहते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है वेरिकोज वेन्स। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।